हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे जने। तो आज बनने जा रहा है लंच में वेजिटेबल कीमा, तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। और पीछे जो शेल्फ पे खिलार पड़ा है प्लीज़ उसका मत देखना, क्योंकि सुबह सुबह जो है वो काफ़ी खिलार पड़ा होता है किचन में, तो उसको इग्नोर करना। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करो, कमेंट करा करो, और इंस्टा पे भी मेरी रील्स बनती है, वहाँ पे भी मुझे फॉलो किया करो। तो चलो जी आज वो बनाते हैं वेजिटेबल कीमा। और ये जो है वो मैंने मस्टर्ड ऑयल जो है वो गर्म होना रख दिया है कढ़ाई में। अब ये तेल हमारा जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें सबसे पहले हींग, जो कि मैं हर सब्जी में यूज़ करती हूँ। और उसके बाद हम डालेंगे ये प्याज लहसुन अदरक जो इकट्ठा मैंने कर लिया है। प्याज जो है हमारा जब तक ये ब्राउन हो रहा है तो उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे हल्दी थोड़ी सी और पीसी हुई लाल मिर्च। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालो, आप करारी खाते हो थोड़ी ज़्यादा, स्पाइसी खाते हो तो नहीं, तो हल्की खाते हो तो कम, और नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा जीरा जो कि मैं पहले डालना भूल गई थी, और थोड़ी सी अजवाइन जो कि मैं डालती हूँ डाइजेशन के लिए यूज है। और इन सब चीज़ों को कर देंगे मिक्स और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब ये मसाला हमारा हो गया रेडी। इसकी ये निशानी है, मतलब आपको मैं एक टिप देती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से भून गया है। ये देखो, ये जो है वो तेल छोड़ देता है, ये देखो, तो ये निशानी होती है कि हमारे मसाले जो है वो अच्छी तरह से भून गए हैं, और सब्जी में कच्चे मसालों का लहसुन अदरक का टेस्ट नहीं आएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो अब हम डालेंगे ये सारी सब्जियाँ जो कि हमने कद्दूकस करके रखी थी, गाजर, मटर, सारी हेल्दी वेजिटेबल्स हम बनाएंगे। देखो ये सब डाल दी है। और अभी मेरे को फ्रिज में सबसे बाद में, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मुझे ये पालक नज़र आई है, और ये भी मैंने बारीक चॉप करके अच्छी तरह से धो के जो है वो भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। और थोड़ा सा ये फ्रेश धनिया, ताकि सब्जी में जो थोड़ा सा कलरफुल सी बन जाएगी, हरी, लाल, पीली, पीली नहीं, वाइट, गोभी। तो और इन चीज़ों को अब हम कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। ये देखिए, और बहुत ही टेस्टी हमारी सब्जी बन जाएगी। और आप लोग जो है वो सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी दिखा रहे हो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जने मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपको और अपनी रेसिपीज भी दिखाती रहूँ। अब थोड़ा सा इसको सेक लग जाएगा तो थोड़ी सी ये बैठ जाएगी सब्जी, तो उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। और इसको अभी हम अच्छी तरह कम से कम 15-20 मिनट सिम गैस पे इसको पकने देंगे, और फिर इसको हम तेज आंच पे थोड़ा सा भून लेंगे। और ये हमारा मिक्स वेजिटेबल कीमा जो है वो रेडी हो गया है। और मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि थोड़ी देर 15-20 मिनट सिम गैस पे पकाने के बाद इसको मैंने तेज गैस पे थोड़ा सा भुना है, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ गया था। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।